हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, ऐसे में कुछ ठंडा खाने का मन तो करता ही होगा। तो इन गर्मियों क्यों ना घर पर ही कुछ ठंडा बनाया जाए जो कि बच्चों को भी पसंद है, साथ ही बड़ों को भी। तो अपने स्कूल की यादों को ताज़ा करते हुए आज हम बनाएंगे चुस्की, जो कि छोटे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं चुस्की। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, साथ ही लिए हैं कुल्फी मोल्ड है मेरे पास, आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें मैं मेज़रमेंट के लिए जितने कप हमें चुस्की बनानी है उतना पानी मैं इस बोल में डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। ये पूरी चीनी हमें नहीं डालनी है, क्योंकि मैं जो भी मेरा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं गुलाब का शरबत, ये किसी भी ब्रांड का आप खरीद सकते हैं, मैं यहाँ पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। चीनी और गुलाब के शरबत को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं काला नमक और नींबू। नींबू को इस तरह से छान कर डालना है ताकि उसके बीज और उसके रेशे इसमें ना आने पाए। खट्टा आप अपने मनपसंद रखें, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आधा नींबू और ऐड कर सकते हैं। साथ ही एक बार टेस्ट कर लें, नमक भी सही होना चाहिए। तो ये जो मोल्ड है हमारे पास, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस लिक्विड को हमें इन मोल्ड में भर देना है। बहुत ही आसानी से बन गई है, आप देख सकते हैं कुछ भी हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करे हैं। तो मोल्ड्स हमने भर दिए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं ये आइसक्रीम स्टिक। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो बच्चों के प्लास्टिक के जो स्पून होते हैं आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसको डीप फ्रीज करना है, अब हम इसे रात भर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। रात भर डीप फ्रीज होने के बाद आप देख सकते हैं चुस्की हमारी जम चुकी है बहुत अच्छे से। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने का एक तरीका है, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्लास में पानी लिया है जो कि नॉर्मल वाटर है, आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। इसमें हमें मोल्ड को इस तरह से 5-6 बार इस तरह डिप करना है और देखेंगे आप आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी और बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से हम सारी स्टिक्स को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शेप आई है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही बिलीव मी, स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है। आप एक बार घर में बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार बनाने के लिए कहेंगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।